गुजरात के राजकोट में 25 मई की शाम 4:30 बजे टीआरपी गेम जोन में आग लगने से 30 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल हैं। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा टीमों ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। राहत और बचाव कार्य रात भर जारी रहा। इस दौरान 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। आग इतनी भीषण थी कि मरने वालों का सही आंकड़ा तय कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे के बाद देर रात गेम जोन के मालिकों में से एक युवराज सिंह सोलंकी को राजकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गेम जोन में पार्टनरशिप रखने वाले बाकी लोगों की तलाश जारी है। गेम जोन का मैनेजर नितिन जैन भी पुलिस की गिरफ्त में है। सरकार ने जांच के लिए SIT गठित की है, जिसे सीनियर IPS सुभाष त्रिवेदी लीड कर रहे हैं। इनका कहना है कि किस विभाग ने क्या क्या काम किया, इसकी तहकीकात होगी। कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई हैं, भविष्य में ऐसे हालात फिर से न बने, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। अब जान लेते हैं यह हादसा कैसे हुआ। साल 2020 में TRP गेम जोन तकरीबन 2 एकड़ एरिया में बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर लकड़ी और टीन शीट पर खड़ा था, इसलिए यहाँ अक्सर मेंटेनेंस चलता रहता है। गेम जोन का डोम कपड़े और फाइबर से बना था। स्ट्रक्चर लकड़ी, टीन और थर्माकोल शीट से बनाया गया था। फर्श पर भी रबड़, रेगजिन और थर्माकोल लगा था। हादसे के वक्त भी गेम जोन में रेनोवेशन चल रहा था। एक जगह सीढ़ी पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। वीकेंड की वजह से 500 रुपये का टिकट 99 रुपये में दिया जा रहा था, इसलिए गेम जोन में भीड़ ज़्यादा थी। इसके अलावा गेम जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी स्टोर किया गया था, इसलिए आग कुछ मिनटों में ही ऊपर तक फैल गई। 3 मंजिला स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। राजकोट क्राइम ब्रांच TRP गेम जोन में लगा DVR यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जब्त किया है। ये वो डिवाइस है जिसमें CCTV फुटेज स्टोर रहती है। CCTV फुटेज देखने पर मालूम चला है कि वेल्डिंग के दौरान गिरी चिंगारी से आग फैली है। पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव के मुताबिक TRP गेम जोन के पास फायर NOC नहीं थी, इसके बावजूद गेम जोन संचालित था। इस हादसे के बाद राजकोट के सभी गेम जोन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिए गए हैं। कलेक्टर आनंद पटेल का कहना है शव इतनी बुरी तरह जले हैं कि पहचान कर पाना मुश्किल है, इसके लिए DNA टेस्ट कराना होगा। गेम जोन हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए 25 DNA सैंपल गांधीनगर भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट 48 घंटे बाद आएगी। राजकोट एम्स में 16 शवों को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है, जबकि सिविल हॉस्पिटल में 11 शव रखे गए हैं। घायलों के इलाज के लिए राजकोट एम्स में 30 ICU बेड तैयार किए गए हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर सांगवी TRP गेमिंग जोन अग्निकांड में घायल लोगों से मिलने राजकोट एम्स पहुंचे। हर सांगवी का कहना है SIT इस मामले की जांच कर रही है। गेम जोन को NOC देने वाले सभी विभागों के अधिकारियों को मौजूद रहने के भी आदेश दिए गए हैं। जो लिस्ट उनके पास है उसमें शामिल एक व्यक्ति मिसिंग है, उसकी तलाश की जा रही है। घायलों का बेहतर इलाज उनकी प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। बीते कुछ सालों में गुजरात में बड़े हादसों की बात करें तो 18 जनवरी 2024 में बड़ोदरा की हरडी झील में नाव पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 2 टीचर समेत 12 बच्चे शामिल थे। नाव पर निजी स्कूल के 27 बच्चे और टीचर सवार थे, जो पिकनिक मनाने आए थे। इन्हें बिना लाइफ जैकेट पहनाए ही नाव में बिठा दिया गया था। इस मामले में बड़ोदरा नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में मच्छ नदी पर बना पुल टूट गया था, जिसमें 141 लोगों की जान चली गई। बताया गया था कि इस पुल को नगर पालिका ने बिना बताए ही तय समय से पूर्व बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के शुरू कर दिया था। मई 2019 में सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लगी थी। इसी मंजिल में कोचिंग सेंटर चलता था। इस हादसे में कुल 22 बच्चों ने जान गंवाई थी, जिसमें से कई बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से, जबकि कई बच्चों की छत से कूदने की वजह से जान चली गई थी। वहीं साल 2019 में ही अहमदाबाद के कांकरिया बाल वाटिका के मनोरंजन पार्क में डिस्कवरी राइड्स ढह गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, वहीं कई लोग घायल हुए थे। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9। शुक्रिया।